हाय एंड वेलकम, आई एम डॉक्टर सीमा शर्मा और आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में टांगों में दर्द इतना कॉमन क्यों है और मेडिकली मेरी तरफ से आई विल गिव यू 5 टिप्स वेयर इन यू कैन कंट्रोल योर लेग पेन्स इन प्रेगनेंसी। अ लॉट ऑफ पेशेंट्स आस्क मी, डॉक्टर साहब बहुत टांगों में दर्द हो रहा है, इतना दर्द है कि रात को नींद नहीं आ रही है, यू नो बिकॉज ऑफ दैट दे फील रेस्टलेस, दे फील टायर्ड द होल डे। प्रेगनेंसी में वैसे भी बहुत ज़्यादा पेन किलर्स अलाउड नहीं होते हैं, तो क्या किया जाए, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो आई वुड लाइक टू गिव यू द मेडिकल रीजंस व्हाई लेग पेन्स आर सो कॉमन इन प्रेगनेंसी। देखिए, प्रेगनेंसी में जैसे हमारे अंदर बेबी आता है और हमारा वज़न बढ़ता रहता है, हमारी टांगें उतना ज़्यादा वज़न लेने के लिए तैयार नहीं होती हैं। कई बार हम ऑलरेडी ओवरवेट से स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी को, तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा बहुत ओवरवेट मत हो जाइए, एक्स्ट्रा वज़न मत गेन करिए। हम आपको आपके वेट के हिसाब से आपकी कैटेगरी बताते हैं कि आपके लिए प्रेगनेंसी में कितना वज़न बढ़ाना नॉर्मल रहेगा और उसके ऊपर आपको नहीं जाना चाहिए। सो फर्स्ट इज़ ऑफ कोर्स वज़न हमारा बढ़ जाता है। दूसरा, वज़न बढ़ने से हमारा जो लिम्फैटिक ड्रेनेज होता है, हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो रुक जाता है। ऊपर से यूट्रस का जो वज़न होता है वो प्रेशर डालता है हमारी टांगों के ऊपर और हमारी टांगें, हमारे उसमें वाटर रिटेंशन होता है, हमारी टांगें सूज जाती हैं, हमारी टांगों में दर्द होने लगता है। तो ज़्यादा प्रेगनेंसी में ज़्यादा वज़न आप मत गेन करिए इज़ माय फर्स्ट स्टेप। आप रेगुलरली वॉक करने जाइए या जेंटल स्ट्रेचेस करिए, वो हम आपको एक और वीडियो में बताएंगे कि लेग पेन के लिए सबसे इफ़ेक्टिव एक्सरसाइजेस कौन सी हैं, वो आप उस वीडियो में देख के घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तीसरा, आप बहुत ज़्यादा चौकड़ी लगा के मत बैठिए। जब हम क्रॉस लेग बैठते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा रुक जाता है। थोड़ी देर के लिए चौकड़ी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई लोग किचन का काम चौकड़ी लगा के करते हैं और बहुत लंबे टाइम तक चौकड़ी लगा के नीचे बैठते हैं, उनके लिए थोड़ा सा ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपकी टांगों में दर्द हो। तीसरा, आप अपने ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि प्रेगनेंसी रिलेटेड जो जॉइंट लैक्स हो जाते हैं। देखिए, अब हमारी बॉडी को तैयारी करनी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो बच्चे ने हमारी बोन्स के थ्रू निकलना है, तो नेचर तैयारी शुरू कर देती है राइट फ्रॉम द डे यू आर प्रेगनेंट। उस तैयारी में एक तैयारी ये भी है कि हमारे जॉइंट्स ज़्यादा लैक्स हो जाते हैं, तो जब वो लैक्स हो जाते हैं तो उसमें नर्व्स कभी कभी ट्रैप हो जाती हैं, हमारी नसें ट्रैप हो जाती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा दर्द दिन रात करती रहती हैं। लेकिन उस चीज़ पे हमारा बहुत ज़्यादा बस नहीं चलता है, क्योंकि वो कुदरती चीज़ है, ना ही हम नर्व्स को अपने रास्ते से हटा सकते हैं, ना ही हम जॉइंट की लैक्सिटी पे ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन आप ये ज़रूर कोशिश करिए कि आप अपने जो सप्लीमेंट्स हैं, तीन सप्लीमेंट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं मसल क्रैम्प्स के लिए, उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कैल्शियम। तो आप अपने डॉक्टर से, ऑब्वियसली वो आपको दे रहे होंगे कुछ ना कुछ कैल्शियम सप्लीमेंट्स, आप देखिए कि आपके कैल्शियम का इंटेक हरी सब्जियां, डेयरी प्रोडक्ट्स या सप्लीमेंट्स के लिहाज से सही रहे। दूसरा, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये दो और सप्लीमेंट हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और अगर आपको लेग पेन है तो आप ये सप्लीमेंट्स का नॉर्मल अगर अच्छे से इंटेक करेंगे और डेफिशिएंसी नहीं होगी तो आपके पेन्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलेगी। दूसरा, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपको ज़्यादा लेग क्रैम्प्स केवल रात को होते हैं तो आप सोने से पहले एक वार्म वाटर बाथ ले लीजिए, मतलब गर्म पानी से आप नहा लीजिए और आप अपना टांग स्टूल पर रख के थोड़ी सी मालिश कर सकते हैं, आप कोकोनट ऑयल से या कुछ। तो आप जब मालिश कीजिए तो आपको नीचे से, पैरों से ऊपर की तरफ आना है, आपको ऊपर से नीचे नहीं जाना है। अगर आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो आप अपना ब्लड पैरों की तरफ खींचेंगे और आपका पेन ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। तो आपको जो है अपनी डायरेक्शन मालिश की इस तरह से रखनी है कि आपको एंकल से ऊपर की तरफ जाना है, ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की तरफ जाए। तो ये सब चीज़ें करने से, और आप रात को पैरों के नीचे तकिए लगा सकते हैं, और तकिए आप लगाएं तो अपना टांगों का एंगल 45 डिग्री से ऊपर रखिए, ताकि सारा जो ब्लड है या एक्स्ट्रा टिश्यू है वो आपके हार्ट की तरफ जाए। तो आप ये सिर्फ सब चीज़ें और ये सब प्रिकॉशंस लेंगे तो आपको आई एम श्योर लेग पेन में बहुत आराम मिलेगा एंड यू विल बी एबल टू हैव अ पीसफुल नाइट स्लीप। टेक केयर, नेक्स्ट विल मीट सून।